पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार का आगाज मालवा निमाड से किया है। शनिवार को शाजापुर में उनके भाषण का सिंगल पॉइंट सेंटर अन्य पिछड़ा वर्ग पर फोकस था। प्रदेश के इस हिस्से में विधानसभा की 66 सीटें हैं, इनमें से 31 आरक्षित है। बची 35 सामान्य सीटों की बात करें तो दिलचस्प तथ्य ये है कि इन पर भी 40% टिकट ओबीसी नेता ही पाते रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ की इन 35 जनरल सीटों पर दोनों पार्टियों ने ओबीसी के 14-14 उम्मीदवार उतारे थे। राहुल ने अपने भाषण में देश भर में ओबीसी की आबादी 50% से भी ज़्यादा बताई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे में इस बार और ज़्यादा ओबीसी चेहरे जनरल सीटों पर देखने को मिल सकते हैं। देखना होगा कि इस बार दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस मालवा निमाड़ में कितने ओबीसी उम्मीदवारों को मौका देते हैं। राहुल गांधी की काला पीपल के पोलाय कला में सभा के बाद संभावना है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा ओबीसी प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।